एक व्यक्ति जब काम से रात को घर जा रहा था तब कुछ डरावना उसे दिखा। दरअसल इस व्यक्ति को थोड़ी देर हो गई थी घर जाने के लिए, इसलिए उसने शॉर्टकट जाने का फैसला किया और साथ ही कैमरा भी रिकॉर्ड करने लगा ताकि जंगल के रास्ते में उसके साथ जो भी हो उसका एविडेंस रिकॉर्ड कर सके। फिर आगे जो हुआ आप ही देख लीजिए। कुछ था जो इंसान जैसा ही लग रहा था, जिसे देखकर व्यक्ति डर से चीखा भी, क्योंकि ये व्यक्ति वहाँ से जल्दी से निकल आया तो हमें वो सांप नहीं दिखता क्या था। अब वो इंसान होगा तो कोई इंसान रात को जंगल के बीच क्या कर रहा होगा। खैर जो भी हो, वहाँ ना रुकना इस व्यक्ति ने सही किया। अभी जो वीडियो हम देखने वाले हैं उसकी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इतना मालूम पड़ता है कि ये वीडियो हॉस्पिटल का है। दरअसल हॉस्पिटल में जब अलार्म लगना शुरू हुआ तो कोई व्यक्ति वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। खैर इस सब के बीच वहाँ कुछ ऐसा हुआ, उस वक्त तो किसी को नहीं दिखा पर बाद में इस वीडियो ने सबको चौंका दिया। No, mira, sigue. Bueno. Oye, tú nada más manda las cosas. Bueno, no. दरअसल हमें वहाँ कुछ परछाई जैसा दिखाई देता है, बट इंटरेस्टिंग की बात यह है कि उस वक्त किसी को भी वह सिर नहीं दिखा, ना ही उस कमरे में कोई था जहाँ से वह सिर झांकता है। उस वजह से बहुत सारे लोग मानते हैं कि वह घोस्ट था, पर आपको क्या लगता है, घोस्ट या फिर कुछ और? तो मैंने इंटरनेट पर काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लिप देखी, जिसकी पहले मुझे कुछ जानकारी नहीं मिली पर ऐसा लगा कि ये घर में सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ब्लॉकबस्टर नाम का इंस्टा पेज ने इसे अपलोड किया है जो हॉरर शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, पर मैंने इस क्लिप को फिर भी ऐड किया क्योंकि ये काफ़ी डरावनी थी।